देखो भाई, आजकल गर्मियों का सीजन है और हर तरफ आपको सिर्फ पंखे ही पंखे जो है ना वो नजर आ रहे होंगे, बैटरियां पंखे। ये डीसी पंखे हैं और ये काबली मोटर में तैयार हुए हैं, बजाल गुजरावाला में बन रहा है। अच्छा, ओवरऑल लोकल है, मैन्युफैक्चरिंग लोकल है, लेकिन इसके पंखे की जो मोटर है वो जेन्युइन है। आपको मोटर वगैरह यहाँ पे हर चीज मिल जाती है, सेल भी यहाँ पे मिल रहा है भाई। ये रिचार्जेबल है, सेल चार्जेबल सेल है। ये बैटरी भी है, पता नहीं किस चीज की है। इसका क्या प्राइस है लाला? 3000 रुपए की है। 220 है डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर फेसबुक पेज। आज हम फिर से आए हुए हैं भाई कोऑपरेटिव मार्केट सदर में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इसकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे जो है ना आपको इलेक्ट्रिक आइटम्स मिल जाते हैं, जिसमें ये 12 वाट के फैन वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको यूज चीज़ें भी मिलती है जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये पीछे पंखों की भरमार यहाँ पे लगी हुई है। पंखे जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, 12 वाट वाले डीसी फैन, रिचार्जेबल फ़ैन, बैटरी वाले पंखे सब यहाँ पे मिलते हैं। टूल्स मिल जाते हैं, पावर टूल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस मार्केट में आपको मिलती है। चले अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। देखो भाई, आजकल गर्मियों का सीज़न है और हर तरफ आपको सिर्फ पंखे ही पंखे जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे, बैटरियाँ पंखे, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। तो अभी चलते हैं आगे, मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो है ना अवेलेबल है, सारी आपको दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई ये। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कोऑपरेटिव मार्केट है, सामने देख सकते हो, यहीं पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे यहाँ पे ये हीट सिंक्स वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पे अंदर जाओगे आप, पूरी दुकानें हर चीज़ की भरी हुई, रिपेयरिंग शॉप भी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ख़रीदने आते हो ना, तो आपने देखभाल के ख़रीदनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सही भी होती है चीज़ें और ख़राब भी निकलती हैं चीज़ें। तो जिसको पता है वही यहाँ पे आए, अच्छे से जो है ना एक्सप्लोर करे, अच्छे से चेक करे चीज़ों को, उसके बाद ही यहाँ से जो भी परचेज़ करना है वो परचेज़ करे। तो खाने पीने के लिए भी जो है ना लाइनें लगी हुई है, लोग यहाँ पे खड़े हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं लोग। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है आज जो है ना मार्केट में हम मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने जो है ना हो रहा है भाई। यहाँ पे टूल्स वगैरह हर चीज़ मिलती है इस मार्केट के अंदर ना, आपको जिस किस्म का भी टूल चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देख लो, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, प्लासेस हैं, प्लायर्स हैं, क्रिम्पर्स हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। अच्छी क्वालिटी में भी मिलती है आपको, लो क्वालिटी की भी मिलती है आपको, आप जैसी चाहिए आपको वैसी इस मार्केट से जो है ना मिल जाती है। ये देखो, ये कटर देखो, ये थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई अभी हम भाई के पास आए हुए हैं, मूसा भाई नाम है ना आपका, मूसा भाई के पास आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं इनकी दुकान पे क्या क्या चीज़ें और आपको बताते हैं, फैन वगैरह भी होते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र भाई, खैरियत आप भाई? ये पंखे आप चेक करो, ये क्या चीज़ें इनसे पूछते हैं भाई, ये है क्या चीज़ मूसा भाई? भाई ये डीसी पंखे हैं और ये काबली मोटर में तैयार हुए हैं, 12 वोल्ट का डीसी। क्या होती है काबली मोटर? काबली मोटर मकसद ये, इसमें सिल्वर का कोई शक नहीं होता, गाड़ी में लगी हुई होती। अच्छा, है गाड़ी की मोटरें होती हैं, इन्हें निकलवाई जाती हैं गाड़ी से, फिर उसको बनवा के पूरा एक पंखा तैयार करवाते हैं। तैयार किया जाता है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बॉडी ये सब यहीं पे तैयार होती है? ये सब इधर ही की है। आपको ये जो मोटर मिलेगी ये जेन्युइन है, और बाकी पर वगैरह यहीं पे बन रहा है, इसका जाल गुजरावाला में बन रहा है। ओवरऑल लोकल है, मैन्युफैक्चरिंग लोकल है, लेकिन इसके पंखे की जो मोटर है वो जेन्युइन है। सही। अच्छा, इसका कितना चल रहा होगा आजकल प्राइस? भाई इसका वैसे काउंटर रेट तो 2000 रुपये है, लेकिन अगर कोई आपके वीडियो के रेफरेंस से आता है तो फिर उसके लिए कुछ कर देंगे। पहले इसका 1800 का रेट चल रहा था, लेकिन अब इसका काउंटर रेट, पीछे से भी मोटरों में फ़र्क आया है, इसकी जाल वगैरह हर चीज़ में, तो 2000 का चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आपके कोई वीडियो के रेफरेंस से आता है तो उसको वही रेट। 1600 में दे रहे हैं वो सिल्वर? 1600 रुपये में वो मोटर की तरफ फोकस करें, वो बेलिनो मोटर है, उसमें सिल्वर आता है, उसमें कॉपर नहीं होता, सिल्वर होती है, चाइना इंपोर्ट मोटर है ये। 1600 क्या 1500 में भी मिल जाएगा हमारे पास से, लेकिन हम लोग इसका सिर्फ ऑर्डर पे काम करते हैं। ठीक हो गया, ऑर्डर पे मतलब
माल बल्क में चाहिए होगा आपको तो वो मोटर भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अच्छा, ये जैसे ये पंखे हो गए, ये छोटा पंखा हो गया, इसका कितना चल रहा है? छोटा पंखा ये 1000 रुपए का चल रहा है, ये भी काबली मोटर में कॉपर में, काबली मोटर कॉपर में। इसके साथ आपने ये बैटरियाँ वगैरह भी रखी है? देखिए, मतलब छोटे पंखे में अगर आप ये बैटरियाँ लगाते हैं ना तो ये 2 घंटे बैकअप देगी, ये 2 घंटे प्लस देगी 12 वोल्ट 7 एम्पीयर। और बड़े पंखे के लिए आपको एक रक्षे की बैटरी लेनी पड़ेगी, पूरा एक सेटअप बनता है उसका, तो उसी के बैटरी के चार्जर रखे हुए, ये सब मुख्तलिफ प्राइस होते हैं इनके। हज़ार छोटी बैटरी है, ये कितने की होगी? ये आपको पड़ेगी 2550 रुपये की, 2550 ये वाली, और ये पड़ेगी 2850 की। ये दोनों 2024 हैं। इनके साथ चार्जर कौन सा बंदा लगा है? सही वाला। अगर आप यहाँ तक का काम कर रहे हैं ना, 5 एम्पीयर 7 एम्पीयर 24 एम्पीयर तक, ये वाला चार्जर काम करेगा, 1000 रुपए का। ये रिटेल प्राइस है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब चार्ज करके खुद ही बंद कर देगा और लगा के आप इसको छोड़ दें। अच्छा, जब बैटरी की नीड होगी वो खुद ऑटो चार्जिंग पे चला जाएगा। ये भी चार्जर है डिजिटल या डिस्प्ले के साथ? ये दोनों एक साथ ही, एक जैसे ही, एक जैसे ही डिजिटल डिस्प्ले इसका। इसका ये कौन सा है? ये 100 एम्पीयर तक की बैटरी को चार्ज करता है। 100 एम्पीयर तक जी। क्या प्राइस चल रहा है इसका? इसका रिटेल प्राइस 1800 रुपये। 1800 रुपये जी। अच्छा, इसके अलावा भी काफ़ी चार्जर वगैरह रखे हैं, जैसे ये 20 एम्पीयर का, ये 20 एम्पीयर 100 तक की बैटरी को चार्ज करेगा, ग्रीन वाला 10 एम्पीयर है वो आपका 50-55 तक की बैटरी चार्ज करेगा। ये 20 एम्पीयर कितने का मिल जाएगा हमें? ये भी 1800 रुपये का ही पड़ेगा, 1800 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी ये कंप्यूटर वगैरह की सप्लाई वगैरह रखी हुई है आपने? असल में हमारा है ही पावर सप्लाई का बेसिक काम, बिल्कुल। जैसे आप पीछे कर रहे हैं, सर्वर की सप्लाई आए, सर्वर की सप्लाई आए, सब कुछ साइन बोर्ड वगैरह में लगती हैं, सर्वर में लगती हैं ये। और जैसे कि आज पानी की मोटर पे भी थोड़ा फोकस है। भाई के पास ये मोटर भी आई है, ये पूछते हैं ये क्या चीज़ है मोटर? भाई ये डीसी मोटरें हैं, ये 12 वोल्ट DC हैं। अच्छा, और ये आपकी बैटरी पे भी चल जाती हैं, ये आपकी डायरेक्ट सोलर पे भी चल जाती हैं। पहले तो ये गांव देहात वगैरह में इस्तेमाल हो रही थी, ट्यूबवेल पंप पे लगा दो, एक सोलर की प्लेट लगा दो, चलती रहेगी। लेकिन अब माशाल्लाह आप जानते हैं कि हमारे बिल कैसे आ रहे हैं भाई। सही बात है। अच्छा, वाटर पंप जो है उस पे आराम से चलेगी? बिल्कुल, डोंकी पंप की है ये पानी खींचने में भी काम आती है, पानी चढ़ाने में भी आती है। अच्छा, अगर आपने अपने घर में सिस्टम लगाना है, पुराने वाले पंप के ऊपर एक ये मोटर लगाएंगे और एक पावर सप्लाई लगाएंगे इस सिस्टम के। ये सप्लाई लगेगी, ये सप्लाई लगेगी और वो मोटर लगेगी और आपका मामला हल हो जाएगा। कितने का मतलब ये पड़ेगा भाई? 2000 की तकरीबन आपको पावर सप्लाई पड़ती है और 6000 रुपए की मोटर। मोटर हमारे पास होती है गाड़ी की, जेन्युइन निकली हुई, गाड़ी की जेन्युइन गाड़ी की निकली हुई। 6000 की मोटर पड़ेगी, 8000 में दोनों, तकरीबन 8000 में दोनों। फिर कितना पावर लेती है ये डीसी का? लेगी ये 460 वाट है, 220 वोल्ट से ऑपरेट होगी और 460 वाट की ये सप्लाई है ये रही। और वो भी 460 वाट डीसी, कोई इतना वो नहीं है, लोड नहीं है ये। अच्छा, जैसे नॉर्मल वो मोटर लोड लेती उससे कम लेगी, वो तो ज़्यादा लेती है, वो तो ज़्यादा लेती है वो तो। और फिर इसमें बेनिफिट ये है ना कि अगर लाइट गई हुई है तो बैटरी पे 2 तार रखें, डायरेक्ट चल जाएगी। दिन में एक सोलर की प्लेट लगा लें 185 वाट की, उस पर चल जाएगा। अच्छा जी, ये पंखे, ये बड़ा वाला जो है, इसके लिए कितना सोलर लगाना पड़ेगा? डीसी पे डायरेक्ट चला, आप इसके ऊपर 100+ लगा दें, 160 वाट की एक प्लेट लगा दें, ये 65 वाट खुद लेता है, 65 वाट लेता है। ये जो मार्केट है इसमें आप क्या मतलब मशवरा देंगे लोगों को, जो ख़रीदार आता है किस चीज़ का ख्याल रखें? किस चीज़ का ख्याल रखें? बस जो भी चीज़ ले रहे हैं आप दुकानदार से, अगर कोई बात हो रही है आपकी तो दुकानदार का इतना ख्याल रखें कि भाई वो जो कह रहा है सच कह रहा है, तो सच कहाँ तक सदाकत है। अब जैसे कि आपने उसे बिल पे लिखवा लो, अब मेरे पास जो भी चीज़ है मैं काम की गारंटी देता हूँ कि भाई आपकी मोटर है तो मोटर हम कॉपर की दे रहे हैं, पावर सप्लाई है, चेकिंग वारंटी है। और दुकानदारों से भी थोड़ा सा एक वो करूँगा, कंप्लेन में कस्टमरों की एक ही आती है कि दुकानदार पहले अलग सूरत देता है और अगर हम वापस करने आएँ तो अलग। कस्टमर को चेक करके चीज़ लेके जानी चाहिए, दुकानदार की अच्छी सी तरीके से बात सुन के, जो यूज़ में चीज़ें वो तो अच्छे से चेक करें। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से बिजली पानी की आपस में बनती नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक से चेक करा के देंगे, गारंटी कोई नहीं होती। लेकिन फिर भी एक आध दिन का इतनी हो जाता है कि भाई अगर ऑन दिया है आपका काम ही नहीं हो, ऑन वापस लेके आए। सही बात भाई, ये हमारा मतलब क्या क्या मिल जाता है इस मार्केट में? इलेक्ट्रॉनिक्स का तमाम सामान मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का तमाम टूल्स वगैरह भी सब मिल, टूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। आपसे कॉन्टेक्ट करना हो कैसे करेगा? नंबर लिखवा देते हैं, नंबर बता दें, 03142386803।
ये हमारा मार्केट कौन सी है? ये कोऑपरेटिव की गली कहलाती है, स्ट्रीट कोऑपरेटिव, लेकिन बिस्मिल्लाह मार्केट, शॉप नंबर 14B। शॉप नंबर 14B है जी, सही है। तो ये भाई मूसा भाई है, हमारे अच्छे दोस्त हैं और इनके पास ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये नहीं भी है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोई चीज़ चाहिए आपको ये अरेंज करवा के। पावर सप्लाई, मोटर, फैन, सर्वर सप्लाई, जो भी चीज़ें आपको चाहिए सप्लाई में बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास अलहमदिल्ला, और हम क्वांटिटी पे काम करते हैं। इंटीरियर वगैरह में माल जाता है सिंध में, पंजाब में, खैबर, हर जगह जा रहा है, बलोचिस्तान तक पहुँच गया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी माल जा रहा है। बहुत शुक्रिया मूसा भाई आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया मूसा भाई से, इनसे हमने बात की क्या क्या होता है इनके पास, हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। अभी चलेंगे थोड़ा सा आगे, हम और एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। जो मार्केट है ना, ये ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है, यहाँ पे आप देखो हर चीज़ रिपेयर होती है, हर चीज़ रिपेयर भी हो जाती है, पुराने पार्ट्स भी मिल जाते हैं। ये देखो सारे वो रखे हुए हैं, राउटर्स वगैरह, राउटर्स हैं, टेलीफोन हैं, पुराने यूज़ में भी मिलते हैं, रिपेयर भी होते हैं। इस मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाले पंखे भी रखे हैं, पंखे, कपड़ों की मार्केट है इस तरफ, तो इस तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक से। चलते हैं इस गली में, चल के देखते हैं और क्या है। बिलोर वगैरह भी मिलेगी, छोटी बैटरियाँ, लाइटिंग्स, मतलब आपको यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। टॉर्च देखो, टॉर्च की कितनी वैरायटी है, इनके पास गाड़ियों के लैंप भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पूरी मार्केट है भाई ये, अंदर ही अंदर चल के देखते हैं, सेल, बैटरी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, यहाँ पे देखो सोगो के फैंस वगैरह जो है ना छोटे वाले, ये भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सोगो वाले। इसका देखो, इसका पूछते हैं कितने का है, ये वाला कितने का है फैन? 630, 9800 का चल रहा है मेरे पास, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ये वाले ना। टॉर्च देखो, टॉर्च की बड़ी वैरायटी है भाई, मतलब बैटरी सेल जो है ना, रिचार्जेबल, वो यहाँ पे सारे आपको मिल रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप लगा दो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज, उसमें आपको मिल जा रहे हैं। बॉक्सेस भी आपको मिल रहे हैं UPS वगैरह कुछ भी बनाने के लिए, सब चीज़ें भाई इस मार्केट के अंदर आपको जो है ना मिल जाती है। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे मीटर वगैरह भी मिल रहे हैं, जैसे ये डिजिटल मीटर, डिजिटल वाले मीटर मिल रहे हैं वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्लैंप मीटर है, अभी एक क्लैंप मीटर लेना था, वो हमने भाई से ले लिया है, मोहम्मद ज़ुबैर भाई से, और अच्छा वाला लिया है ये क्लैंप मीटर। एक तो हमने पहले लिया था, वो तो बेकार था, अभी ये वाला लिया है हमने, ये बाद में दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये पूरी मार्केट में भाई हर चीज़ है ना, हमें कपड़ों की भी है, LCDs के पूरा सामान यहाँ पर मिल रहा है, LED बल्ब जो होते हैं, बल्ब्स का पूरा यहाँ पर आपको सामान मिल जाता है इस मार्केट के अंदर, ऑपरेटिव मार्केट में। और ये छोटी LEDs भी सब यहाँ पे आपको मिलेगा, वायरिंग हर चीज़ इस मार्केट में आपको जो है ना देखने को मिल जाती है। लेकिन ये अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आप आओ यहाँ पे और इस मार्केट से परचेजिंग कर सकते हो, और जो भी चीज़ आपने लेनी है उसको आपने देखभाल के लेना है और अच्छे से जो है ना वो चेक करके लेना है। ये थोड़े अच्छी क्वालिटी के लेंगे फैंस जो है ना, मुझे रिचार्जेबल बनाया है उन्होंने, कनेक्टर वनेक्टर हर चीज़ यहाँ पे देखो आपको देखने में, सोल्डिंग वायर्स, मोटर है भाई, पूरी मार्केट है। किसी दिन आएंगे इस मार्केट में, हर शॉप पे पता करेंगे क्या क्या चीज़ें और कितने कितने की मिल रही है, देख रहे हो आप, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, ये नियॉन के जो ये साइंस होते हैं ना, नियॉन वाले, ये भी आपको इस मार्केट में बन के मिल जाते हैं, नियॉन साइंस, ये भी बनवा सकते हो आप कोऑपरेटिव मार्केट से। तो जनाब, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जो हमने आप लोगों के लिए बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।